यूनिवर्सल नॉट गेट। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल नॉट गेट से एक्सॉर गेट को डिजाइन करना सीखेंगे कि नॉट गेट से आप किस तरह एक्सॉर गेट को डिजाइन कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सल नॉट गेट किस तरह एज अ एक्सॉर गेट वर्क करता है। एक्सॉर गेट का अगर आपको बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद हो तो वो आपको पता है कि वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी। ये होता है एक्सॉर गेट का बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है यानी नॉर गेट से आपने एक्सॉर गेट को डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको कुछ ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको नॉर गेट की मिलती जुलती फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो नॉर गेट का बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है कि वो ये होता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का ऊपर क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे तो कोई इस तरह की फॉर्म आपको नजर नहीं आ रही तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस ए एक्सॉर बी को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आपको ये भी पता है कि ए एक्सॉर बी को जब हम ओपन करते हैं तो वो आपके पास बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस फॉर्म का ये इसके बराबर होता है ए एक्सॉर बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा नॉर गेट की फॉर्म में इसको लिखने के लिए खुद से ए ए बार और बी बी कॉम्प्लीमेंट इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। यानी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो ये एक ये वाली और एक ये वाली ये एक्सप्रेशन जो है ये मैंने खुद इंट्रोड्यूस करवा दी। अब इनको किस तरह इंट्रोड्यूस कराएं, आपको बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये रूल याद होना चाहिए कि जब भी कोई एक वेरिएबल अपने ही कॉम्प्लीमेंट वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पे वन थी तो वन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। अगर मैं कह देती हूँ ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा, फिर भी क्या आएगा आपके पास, आंसर जीरो आएगा। तो आपको पता है मैथ के रूल्स याद है कि जहां पे कुछ भी ना हो आप खुद से जो है ऐसी एक्सप्रेशंस को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। इसी तरह बी और बी कॉम्प्लीमेंट को भी मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये आपको एंड पे पता चलेगा कि इनको इंट्रोड्यूस करवाने का यहाँ पे क्या मकसद था। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी और इस टर्म में से इनको इकट्ठा लिख देती हूँ, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे इन दोनों में से बी जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, इधर से बी कॉमन निकालूंगी आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां से आपको ए कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है, यहां से मैं ए कॉमन निकालूंगी तो ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों कॉमन है तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूं ए प्लस बी इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे कुछ हौसला हुआ है कि आपका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन जो है वो ए और बी टाइप का बन गया, लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो तो आया नहीं है। अब इस सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे खुद से जिस तरह हमने पिछली वीडियो में एंड गेट और गेट नॉट गेट बनाने के लिए नॉर गेट से इन सारे गेट्स को बनाने के लिए डबल कॉम्प्लीमेंट लिया था उनके आउटपुट पे, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगी डबल कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, दोनों डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है पहले कि यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए लेते हैं ताकि जब एक सिंगल वेरिएबल पे डबल कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपका जो वेरिएबल है वो एज इट इज ही आ जाता है। यानी ये जो एक्स है ये एक्स का एक्स ही रहेगा ही डबल कॉम्प्लीमेंट लेने से। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है उनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक नया बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। चले जी, अब इस पहले वाले कॉम्प्लीमेंट को जब हम ओपन करें डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ
अगर आप डिमॉर्गन्स लॉ को रिकॉल करें तो आपको पता है कि दो वेरिएबल के दरमियान अगर सम का निशान और ऊपर कंप्लीमेंट हो तो वो उनके इंडिविजुअल के कंप्लीमेंट और फिर उनको आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका कंप्लीमेंट लिया जाए तो उन वेरिएबल्स के ऊपर इंडिविजुअल में कंप्लीमेंट आ जाता है और दरमियान में जो मल्टीप्लीकेशन थी वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। इस कंप्लीमेंट को जब मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे ए प्लस बी इस इंडिविजुअल टर्म के ऊपर कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है ये दोनों, इधर एडिशन का साइन, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और ये जो ऊपर दूसरा कंप्लीमेंट था ये एज इट इज ही रहेगा। अब जो है इसमें जो इंडिविजुअल में कंप्लीमेंट आया उसके आगे भी ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। तो चले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि इसको अगर मैं कंप्लीमेंट को सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे जो प्लस का निशान है वो फिर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे तो हमारा जो आंसर है वो तो फिर हमें उलझन में पड़ जाएंगे हम कि हम नॉर गेट किस तरह यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसलिए हम इसको नहीं छेड़ते, हम इसको कुछ करते हैं कि ताकि ये जो हमारा कंप्लीमेंट है ना, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, ये खत्म हो जाए। तो यहाँ पे चले हम इसको करते हैं, यहां से इधर शिफ्ट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे जो एक्स है वो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, और प्लस इसको ओपन करें तो ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, यहां पे प्लस का निशान था तो ये डॉट में बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, और ये जो फाइनल एक कंप्लीमेंट है ये दोनों के ही ऊपर रहेगा। यानी मैंने इस कंप्लीमेंट को ओपन नहीं किया, ये एज इट इज ही रहा है, इसको ओपन किया था। अब आपको ये यहाँ पे आसानी से नजर आ रहा है कि ए और बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे और है, इसका ए के ऊपर डबल कंप्लीमेंट ए ही आएगा और डॉट बी के ऊपर डबल कंप्लीमेंट क्या आएगा आपके पास, बी ही आएगा, और उसके ऊपर फाइनल ये वाला कंप्लीमेंट। अब आप देखिए कि आपके पास ये जो ए डॉट बी है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो अगर आपको बूलियन थ्योरम याद हो तो उसमें आपको पता है कि जो इस तरह की फॉर्म होती है हमको उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। यानी ये जो ए है वो आ जाएगा आपके पास प्लस ए और बी का कंप्लीमेंट, दरमियान में आएगा डॉट, फिर बी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। यानी इसको ये बूलियन थ्योरम में से एक थ्योरम मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। यानी कोई आपके पास इस तरह की फॉर्म हो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी ए, ये ए बार ए प्लस बी बार प्लस ए डॉट, फिर बी को आपने क्या किया इसके साथ एडिशन में, सॉरी एड, यहाँ पे एड करके क्या कर दिया है, लिख लिया है, और इसके ऊपर एक ये वाला कंप्लीमेंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इस ऊपर वाले कंप्लीमेंट को जब ओपन करेंगे तो ये जो ऊपर वाला कंप्लीमेंट है ए प्लस बी बार, ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में, बी प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट और ये इंडिविजुअल्स के कंप्लीमेंट आ जाएंगे। यानी ये जो कंप्लीमेंट मैंने ओपन किया, मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए कि ये हमारा सारा जो एक्सप्रेशन है वो नॉर गेट के एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। यानी यहाँ भी देखिए नॉर गेट का बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, ये भी बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है। फिर इन दोनों को अगर आप देखें कि ए प्लस बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ये भी आपको उसकी तरह का मिलता जुलता नजर आ रहा है। अब हम इस एक्सप्रेशन से अपना एक्सोर गेट क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। आइए हम अब वो करते हैं। फिर हम यहां से स्टार्ट हुए थे कि हमारा एक्सप्रेशन था ए बार बी प्लस ए बी बार, जो कि अब हमारा कन्वर्ट हो चुका है इस एक्सप्रेशन में, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस बी प्लस ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, और फिर ये इंडिविजुअल्स के
कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा एक्सप्रेशन। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं अपना एक्सोर गेट, किसकी मदद से, नॉर गेट, यानी जो हमारे गेट अप्लाई होंगे वो सारे नॉर गेट होंगे और उससे हम एक्सोर गेट को डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लेनी हूँ ए, और दूसरी हमारे पास इनपुट क्या है, बी। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कॉमन, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करती हूँ, यहाँ से ये इनपुट ली, यहाँ से ये इनपुट ली, और इधर से जो ये कॉमन पॉइंट्स थे इधर से मैं ये क्या कर देती हूँ, नॉर गेट लगा देती हूँ, क्योंकि ये नॉर गेट का बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो यहाँ पे मैंने नॉर गेट अप्लाई कर दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपकी जो डिजाइनिंग वो थोड़ी सिंपली फाई हो जाए। अगर आप, कोई इशू नहीं है कि आप इसको अलहदा अलहदा करके भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे लिए आसानी क्या होगी, अब आगे देखिए ए और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, और इसके दरम्यान हमने क्या लगाना है, नॉर गेट लगाना है। तो वो अब लगाना, अप्लाई करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी यहां से हम इस तरह इसको इस तरीके से इधर ले जाते हैं और इसको ऊपर इस तरह ले जाते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर गेट जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, जो बताएगा हमें कि ये है ए प्लस ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट और उसके होल का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये नॉर गेट हमें बताएगा कि ये आपके पास है बी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक और रह गया, ये इन दोनों के दरमियान एक और का फंक्शन अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब इसके होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता तो हम नॉर गेट लगा सकते थे यहाँ पे, तो और गेट लगेगा अब, लेकिन अब हम और गेट लगा नहीं ना सकते, क्योंकि हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्योर जो है वो नॉर गेट के अकॉर्डिंग ही करनी है, एक्सोर गेट बनाना है। इसलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर लेंगे, दोनों तरफ सिंगल सिंगल कॉम्प्लीमेंट क्या कर लूंगी, मैं ले लूंगी। अब जब यहाँ पे सिंगल कॉम्प्लीमेंट लिया तो उससे क्या होगा, ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो पूरा एक और नॉर गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार, लेकिन अब बात ये है कि आपके पास यहाँ पे आ गया एक्स बार। अब आप चाहते हैं कि इस एक्स के कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या करना है, खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी डबल कॉम्प्लीमेंट, एक और कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी, जिससे ये वाला आपका जो एक्सप्रेशन होगा ये फिर एक्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब की बार आपके एक्सप्रेशन में एक और कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि जब सिंगल कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आपने यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई करना है, लेकिन नॉट गेट जो है, जब आप नॉट गेट से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो नॉट गेट को आपने सिंगल इनपुट वाले नॉर गेट में लिखना, तो वो कैसे उसका सिंबल होता है, ये आपने पीछे एक नॉर गेट के बॉक्स लगा देना है और यहाँ पे ये एज अ नॉट गेट के तौर पर इस्तेमाल करें, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिवर्सल नॉर गेट से एज अ एक्सोर गेट को डिजाइन करना। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल नॉर गेट से हम अपना एक्स नॉर गेट किस तरह डिजाइन कर सकते हैं, आइए अब हम वो करते हैं। तो भाई यूनिवर्सल नॉर गेट से हमारा जो फाइनल गेट डिजाइन करना है वो हमने करना है एक्स नॉर गेट, यानी नॉर गेट से हम एक्स नॉर गेट को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्स नॉर गेट का बोलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता है तो आपको पता है कि ये कुछ यूं होता है, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट। और आपको ये भी पता है कि ए एक्सोर बी को आप कुछ इस तरह लिखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने जब यूनिवर्सल नॉर गेट से एक्सोर गेट बनाया तो वहां पे हमने इस एक्सप्रेशन को कुछ सॉल्व किया था। अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि हमने इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आया था, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट।
और फिर इसके ऊपर यहाँ पे एक और कॉम्प्लीमेंट भी आया था, एक सॉरी एक्सप्रेशन कुछ यूं था कि यहाँ पे इसके इंडिविजुअल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था और फिर बाद में हमने इसका दो कॉम्प्लीमेंट लिए थे ताकि हम अपने एक्सनॉर गेट से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। अब हम यहाँ पे देखें कि ये जो दो कॉम्प्लीमेंट हमने लगाए थे और ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये तो फिर भी था तो ये ना ए एक्सोर बी के बराबर था, लेकिन अगर देखें एक्सनॉर गेट में तो एक और कॉम्प्लीमेंट आता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट, ये तो था ए एक्सोर बी का फुल एक्सप्रेशन था तो इसका एक और कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे लगा दूँ तो ये तीन बड़े कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये जो दो कॉम्प्लीमेंट होंगे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आपका ये एक्सप्रेशन कुछ यूं बनेगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट और फाइनली जो लास्ट वाला दो तो दरमियान वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये लास्ट वाला मैं ऐसे ही लिखूंगी। सेम अब आपके पास जो है बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया जिससे आप नॉर गेट की मदद से एक्सनॉर गेट को डिजाइन कर सकते हैं, यानी आपको अगर वो एक्सनॉर गेट की बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना आ गया है तो सेम उसी स्टेप से आप यहां तक पहुंचेंगे और यहां तक पहुंचने के बाद एक जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है ये इसका एक्सनॉर गेट का अपना कॉम्प्लीमेंट होगा वो आप ऊपर लगा दें। अब हम आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी बहुत आसान है। यहां पे हम लेंगे इनपुट ए, यहां पे हम इनपुट लेंगे बी, ठीक है। अब आपको मैंने पीछे किया कि ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का हम क्या कर लेते हैं कॉमन, ये यहाँ पे एक्सनॉर गेट क्योंकि ये एक्सनॉर गेट का सॉरी ये नॉर गेट का एक्सप्रेशन बन रहा है तो यहाँ पे हम नॉर गेट का एक्सप्रेशन लगा दिया, यहां से ए का इनपुट और ये यहां से बी का इनपुट। अब यहाँ पे ए और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे आपके पास, यहाँ पे एक नॉर गेट, ये नॉर गेट होगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट और यहां पे एक नॉर गेट लगा देंगे, ये नॉर गेट होगा। ये एक्सप्रेशन बनाते हुए आपने जरा ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉर गेट है ये सही तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन करें और ये एक्सप्रेशन होगा बी प्लस, यहाँ पे प्लस आना है, बी प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे और गेट है तो ये भी एक और यहाँ पे फाइनल आपका एक नॉर गेट लग जाएगा जो कि आपकी फाइनल क्या होगी आउटपुट होगी। तो आपने देखा कि नॉर गेट से हमने एक नॉर गेट को बनाया और नॉर गेट से हमने एक नॉर गेट को डिजाइन किया, एक्सऑर और एक्स नॉर की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ठीक सेम ही है तकरीबन, बस एक्सऑर में आपने यहाँ पे लास्ट पे एक सिंगल इनपुट वाला नॉर गेट लगा देना। तो ये था भाई हमारा आज का आर्टिकल, खत्म हुआ कि हमने यूनिवर्सल नॉर गेट से सारे बेसिक लॉजिक गेट्स जो थे वो क्या कर लिए हैं डिजाइन कर लिए हैं।